हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मान आप लोगों का स्वागत करता हूँ भाई आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। देखो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे भाई, जहां मैं आपको पढ़ा चुका था E1 रिएक्शन का मैकेनिज्म, E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म, मतलब एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर, ये मैं सब आपको पढ़ा चुका था। और इससे पहले वाली जो टाइप आपने स्टडी की वो आपने पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब SN1 और SN2। आज की वीडियो लेक्चर में मैं इन सारी चीजों को कंबाइन करने वाला हूँ, जैसे SN1 कब, SN2 कब, E1 कब और E2 कब। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग उस चीज को कंबाइन कर सकते हैं। देखो इन चीजों पे स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, अभी उस कंफ्यूजन को आज क्लियर कर देते हैं। देखो आपको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पकड़ना है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मीन्स आपके पास आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, और मैंने कहा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका क्या अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। और कोई भी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस स्पीसीज को आप लोग नाम देते हो क्या, इलेक्ट्रोफाइल। क्या नाम देता हूं? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपकी क्या, इलेक्ट्रोफाइल है। यदि सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ क्या इंटरेक्ट करते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल, क्या इंटरेक्ट करते हैं भी न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, वाई माइनस से। मैंने कहा कि सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ क्या इंटरेक्ट कर रहा है आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे इलेक्ट्रोफाइल जैसे आपने क्या क्या डील किए सब्स्टिट्यूशन में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप लोगों ने डील किया क्या क्या, अल्काइल हैलाइड, क्या क्या लिए थे, अल्काइल हैलाइड, और आपने लिया क्या अल्कोहल, और आप लोग क्या लेते थे इथर, और इथर भी आपने दो टाइप के स्टडी किए, वन इज साइक्लिक और अनदर वन इज एसाइक्लिक, दो टाइप के इथर हम लोग डील करते थे। ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इनके साथ क्या इंटरेक्ट कर रहा था अभी न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल आपके किसी ग्रुप को हटाता था, न्यूक्लियोफाइल आके किसी ग्रुप को हटाता था, और वो जो ग्रुप बाहर निकल रहा है उस ग्रुप को आप लोग नाम देते थे क्या, लिविंग ग्रुप। क्या नाम देता था अभी, लिविंग ग्रुप। यदि मॉलिक्यूल के पास लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन होती थी आपकी कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती थी भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि मॉलिक्यूल सब्स्ट्रेट मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप रखता है और न्यूक्लियोफाइल उस ग्रुप को हटा के खुद सेट हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कोई ग्रुप हटाया जाता है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो रिएक्शन नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी। क्या नाम दिया जाता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और लिविंग ग्रुप क्या थे सर, लिविंग ग्रुप कब हो सकता है, जिसपे क्या हो आपका नेगेटिव चार्ज, स्टेबल हो। और यहीं से आप लोग रिलेट कर सकते हो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो, स्टेबल। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी में भी आपका नेगेटिव चार्ज स्टेबल चेक करता था, और लिविंग ग्रुप एबिलिटी डायरेक्टली रिलेट करता था आपका किसके साथ, एसिडिक नेचर के साथ। जैसे मैंने कहा कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी डायरेक्टली रिलेट करता है एसिडिक नेचर के साथ, और एसिडिक नेचर किसके साथ डायरेक्टली रिलेट करता था, के के साथ, और किसके इनवर्सली रिलेट करता था, पीके के साथ। ऐसे आपके सारे के सारे ऑर्डर अरेंज होते हैं भी। और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कैसे चेक करूं सर, नेगेटिव चार्ज की यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आप लोग चेक करते थे, या तो आपके पास क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल होना चाहिए भी। यदि कोई भी जो ग्रुप निकल रहा है उस ग्रुप के पास यदि डी ऑर्बिटल है तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज कर सकता है, या फिर जो भी ग्रुप निकल रहा है उसके पास क्या है अभी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नेगेटिव चार्ज है। यदि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है तो तब भी आप किसकी तरह एक्ट करेगा, वो आपका एक्ट करेगा लिविंग ग्रुप, या तो डी ऑर्बिटल हो या फिर रेजोनेंस हो। अब क्वेश्चन आता है, जैसे जो स्टूडेंट कंफ्यूज हुए जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे, जो डाउट क्या आया, तो डाउट ये आ रहा है कि सर वो ये एस्टीमेट नहीं लगा पा रहे कि डी ऑर्बिटल भी और रेजोनेंस भी है तो किसको प्रायोरिटी दे। तो कभी भी आपको चेक करना है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, और प्रायोरिटी और बेसिस पे आप जाते हो तो सबसे पहले आप डी ऑर्बिटल को लो, सबसे पहले किसको चेक करूंगा, डी ऑर्बिटल है या नहीं है, फिर उसके बाद क्या चेक करूंगा, रेजोनेंस। तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, डी ऑर्बिटल, और फिर क्या चेक करना है, रेजोनेंस इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी और इन केस ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। आप देखो मॉलिक्यूल के पास लिविंग ग्रुप था, आपको पता चल गया लिविंग ग्रुप है तो SN1 रिएक्शन, और लिविंग ग्रुप मान लो नो लिविंग ग्रुप है तो नो SN रिएक्शन भी, कोई भी SN रिएक्शन नहीं होगी। दो किस लिए ले रहा हूं यहां पे, आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी आप लोग डील करते थे, याद हो तो, कि यदि आपका इंटीमेट फॉर्मेशन हो रहा और एक में इंटीमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, या मैं कहता हूं कि इंटीमेट फॉर्मेशन भी, मान लो रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका इंटीमेट
फॉर्मेशन हो रहा है। और इंटीमेट फॉर्मेशन का मतलब क्या था सर? स्टेबल कार्बोकैटाइन बन रहा हो। क्या बन रहा हो? स्टेबल कार्बोकैटाइन। और स्टेबल कार्बोकैटाइन आप लोग डील कर रहे थे 3 डिग्री कार्बोकैटाइन हो या फिर मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकैटाइन हो, तो क्या फॉर्मेशन करता था? इंटीमेट। और यहां पे भी इंटीमेट फॉर्मेशन हो रहा है, और इसको भी मैं यदि डिवाइड कर देता हूं, जैसे यहां पे इंटीमेट फॉर्मेशन होगा तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर। कौन सी रिएक्शन होती थी भी? फर्स्ट ऑर्डर। और एक मैं केस लेता हूं जब आपका क्या हो, नॉन इंटीमेट भाई, नॉन इंटीमेट फॉर्मेशन। मैंने दो केस लिए, एक मॉलिक्यूल में आपका क्या हो रहा है, इंटीमेट फॉर्मेशन हो रहा है, और एक केस क्या ले रहा हूं जब आपका इंटीमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इंटीमेट का मतलब या आयन पेयर का मतलब आपकी कैटाइन और एनायन दोनों स्टेबल होने चाहिए। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देता था, ये आपका क्या देता था? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स देता था भाई। ये आपका क्या दे रहा है? फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या दे रहा है? आपका सेकंड ऑर्डर। अब ये फर्स्ट ऑर्डर यदि मैं बात करता हूं तो फर्स्ट ऑर्डर भी आपकी दो टाइप, यदि मैं बात करूं, एक आपका क्या है SN1 और एक आप लोग डील करते थे E1। SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, और ये क्या आपका एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, ऐसे अपने पास आया। अब सब्स्टिट्यूशन कब हुआ? जब नो फैक्टर, मतलब कोई भी फैक्टर नहीं दे रखा है, कोई भी फैक्टर नहीं दे रखा है, किसके साथ? 2p के साथ। 2p विदाउट फैक्टर है तो सब्स्टिट्यूशन, और 2p न्यूक्लियोफाइल की इसकी बात कर रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल आपका 2p का होना चाहिए, और 2p न्यूक्लियोफाइल मैं बता चुका हूं OH नेगेटिव, H2O, या फिर मैं बात करता हूं NH2 नेगेटिव, ये सब के सब जो मतलब सेकेंड पीरियड के जितने भी आपके क्या है न्यूक्लियोफाइल है, सबके सब के आपके 2p के हैं, और फैक्टर के साथ हैं। किसके साथ हैं भाई? फैक्टर। फैक्टर लाइक जैसे आपने डील किया था, फैक्टर क्या क्या होते हैं सर? फैक्टर आपने डील किया फर्स्ट कि क्या हो, हाई टेम्परेचर दे रखा हो। क्या दे रखा हो? हाई टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर क्या लिया? बल्कियर न्यूक्लियोफाइल दे रखा हो। क्या ले रखा हो भाई? बल्कियर न्यूक्लियोफाइल। और क्या ले रखा हो? लेस पोलर सोलवेंट। क्या ले रखा हो? लेस पोलर सोलवेंट हो, या फिर मोर बेसिक सोलवेंट। क्या ले रखा हो? मोर बेसिक सोलवेंट, लेस पोलर सोलवेंट या फिर मोर बेसिक सोलवेंट। इन तीनों में से एक भी कंडीशन है तो आपकी एलिमिनेशन होगी 2p के साथ। ध्यान रखना 2p के साथ, इन तीनों में से कोई भी एक फैक्टर आपको दे रखा है तो एलिमिनेशन, नहीं तो आपका क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। और SN1 में मैं क्या चेक करता था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। क्या चेक करता था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। और जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन होगा रेट ऑफ SN1 रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। और यहां से आपके पास यदि मैं अल्काइल हैलाइड की बात करता हूं तो ऑर्डर अपने पास आया था 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ऐसे आप लोगों ने डील किया 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर क्या है आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब मैं बात करता हूं यदि एलिमिनेशन की, एलिमिनेशन के केसेस में आपका क्या है? एलिमिनेशन को आपने नाम दिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट बीटाहाइड्रोजन, या फिर इसी को आप कहते थे डबल सब्स्टिट्यूशन भी। क्या कहता था? डबल सब्स्टिट्यूशन। तो काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मतलब दो बार सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो यहां मैं यूज करता था स्ट्रॉन्ग बेस। यदि E1 की बात कर रहा हूं, सॉरी E1 में आपका यदि स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है तब भी काम चल जाता है, वो अभी हम लोग डील करेंगे। तो यहां पे हम लोग अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं, वहां पे भी आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन चेक करते हो, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन भी आपका क्या आएगा? 3 डिग्री, फिर क्या आएगा? 2 डिग्री और फिर क्या आएगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या आएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये तो केस आए आपके SN1 और E1। अभी हम लोग सोलवेंट एक साथ देखेंगे, उसके बाद यदि मैं बात करता हूं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की भी, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स में भी आपके दो फॉर्मेट आते हैं, एक आपका SN2 और एक आप क्या क्या जाता है अभी E2। आप SN2 कब होगा, E2 कब होगा वो बात करते हैं। SN2 मतलब नो फैक्टर, कोई भी फैक्टर आपको नहीं दे रखा। फैक्टर मतलब ध्यान रखना, या तो आपका हाई टेम्परेचर, या आपको बल्कियर न्यूक्लियोफाइल, या आपको लेस पोलर सॉल्वेंट या मोर बेसिक सॉल्वेंट, तो वो क्या आपके फैक्टर है। यदि उनमें से कुछ भी नहीं दे रखा 2p न्यूक्लियोफाइल के साथ तो SN2, और फैक्टर दे रखा आपको 2p के साथ तो क्या जाएगा E2। SN2 के लिए क्या चेक करता था? स्टीरिक हिंड्रेंस, लाइक जो भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए भी। क्या होनी चाहिए? भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए। और भीड़ भाड़ जैसे मैं बात करता हूं अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर, तो 1 डिग्री, फिर क्या आया था 2 डिग्री, फिर क्या आया था 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ऐसे आपका रेट ऑफ SN2 रिएक्शन आया। और यदि मैं जनरलाइज केस लेता हूं लाइक RI, फिर क्या आता था RBR, फिर क्या आता था RCl, फिर क्या आता था RF,
क्योंकि आयोडीन आपका बेटर लिविंग ग्रुप है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फिर क्या आएगा, फ्लोरीन। ऐसे आपका किसका ऑर्डर आएगा, अभी रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। सेम यदि मैं A2 रिएक्शन की बात करता हूं, तो A2 रिएक्शन में कोई भी रोल नहीं होता अभी स्टीरिक हिंड्रेंस का। A2 रिएक्शन में कोई भी रोल नहीं होता है किसका, स्टीरिक हिंड्रेंस का, या मैं डायरेक्ट डील करता हूं, या आप लोग चेक करते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, स्टेबिलिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, यानी स्टेबिलिटी ऑफ बेसिकली अल्कीन। जैसे आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन देगी अल्कीन तो मोर ज्यादा स्टेबल, आप सेट जेफ, वो सॉरी आप सेट जेफ रूल बढ़ देते, क्या बढ़ता था भाई, सेट जेफ रूल। तो यहाँ बेसिकली आपका ऑर्डर आता था 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री क्या आता था अभी अल्काइल हैलाइड, क्या आता था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब देखो मैं अलग अलग अल्काइल हैलाइड के साथ उनको डील करता हूं और एक चार्ट फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, कैसे समझते हैं देखो। मैंने कहा कि आपके पास जैसे कंपेयर करते हैं कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, अभी क्या आपने पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री के आपके पास अल्काइल हैलाइड लाइक CH3, CH2, CL, कोई भी X हो सकता है, भी X, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मैंने लिया। और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यदि मैं अलग अलग केस लेता हूँ, अलग अलग केस कैसे, एक तो मैं ले रहा हूं क्या, मैंने लिया यहाँ पे SN1, मैं ले रहा हूं क्या SN2, मैं ले रहा हूं E1 और मैं क्या ले रहा हूं E2। और आपको चेक करना है कि कब SN, मतलब यदि आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर SN1 के लिए स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए और स्टेबल कार्बोकैटायन 3 डिग्री या फिर मोर स्टेबल देन 3 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन नहीं है। SN2 रिएक्शन पॉसिबल होगी क्या, SN2 रिएक्शन पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे बहुत कम है, बीट बार्ड कम है, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आसानी से अटैक कर सकता है, अभी SN2 रिएक्शन होगी। यदि मैं बात करता हूं E1 एलिमिनेशन, क्या E1 पॉसिबल है क्या सर, देखो E1 के लिए यदि मैं बात करता हूं आपके पास क्या बनना चाहिए, एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए जो कि यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा, 1 डिग्री बन रहा है। यदि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री भी होता है तो मैं सोच सकता था, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन आपका स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है, तो इसलिए आपके पास E1 रिएक्शन भी नहीं होगी। बट यहाँ पे क्या हो सकती है भाई, आपकी E2 एलिमिनेशन हो सकती है, मतलब एलिमिनेशन बायमोलिकुलर रिएक्शन। अच्छा यदि मैं चेक करूं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड किसको लेते हैं भैया हम लोग, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जैसे एग्जांपल, जैसे CH3 C, यहाँ पे X ले लेता हूँ H और CH3, मतलब जिस कार्बन के साथ X जुड़ा है वो आपका दो और कार्बन से जुड़ा है, जैसे मैंने कहा जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है यदि वो आपका दो और कार्बन से जुड़ा है तो उसको आपने कहा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब देखो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, E1 भी दे सकता है और E2 भी दे सकता है। E1 और E2 कब होती है ये आपको पता है, जब आपके पास क्या हो फैक्टर हो, नहीं तो नहीं होगी भाई। E1 और E2 कब होगी, जब आपके पास क्या हो 2p न्यूक्लियोफाइल के साथ फैक्टर है तो एलिमिनेशन होगी, नहीं तो हमेशा किससे जाओगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जाओगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होता है कि सर 2 डिग्री आ गया, आप कैसे चेक करूं कि E1 और E2 दोनों जा रही हैं तो, और दोनों में से किसका फास्ट होगा, ये रोल अदा करता है यहाँ पे आपका सोलवेंट। अभी हम लोग चेक करेंगे, यदि आपको सोलवेंट समझ आ जाता है, बेस समझ आ जाता है, तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कब SN1, कब SN2, कब E1 और कब E2। उसके बाद मैं बात करता हूँ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी, क्या चेक करते हैं हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, या आपके 1 डिग्री, या आपके पास क्या है 2 डिग्री और अभी मैं क्या ले रहा हूं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यदि मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करता हूं, देखो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन बहुत आसानी से हो सकती है। कैसे हो सकती है कि देखो सर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड X CH3 CH3, इस एक्स को हटाऊंगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है और जो कि हाईली स्टेबल है क्योंकि 9 हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो 3 डिग्री आपका क्या अभी स्टेबल कार्बोकैटायन देगा तो SN1 रिएक्शन होगी। SN2 रिएक्शन होगी क्या सर, तो आंसर आएगा नो। क्यों, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ गई बीच इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों क्यों अटैक नहीं कर पा रहा, क्योंकि भीड़ भाड़ बढ़ गई और भीड़ भाड़ बढ़ने से क्या होगा न्यूक्लियोफाइल इंटर नहीं कर पाएगा और लिविंग ग्रुप को बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो इसलिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती।
बट मैं 3 डिग्री अल्कलाइड में एलिमिनेशन की बात करता हूँ बहुत अच्छे से होती है, E2 की बात करता हूँ बहुत अच्छे से होती है, फिर कंफ्यूजन हो गया सर कि यहाँ पे एलिमिनेशन को E1 का प्रायोरिटी दूंगा और E2 का प्रायोरिटी दूंगा। देखो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है अभी कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दोनों आपकी E1 भी जा सकती हैं और E2 भी जा सकती हैं, बट सर E1 कब जाएगी और E2 कब जाएगी ये टोटल डिपेंड करता है आपका सॉल्वेंट पे भी। किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे। कैसे? यदि मैं सॉल्वेंट की बात करता हूं, देखो इसकी बात करते हैं सॉल्वेंट, यदि मैंने सॉल्वेंट लिया, सॉल्वेंट लाइक मैं पेयर में बना रहा हूं, लाइक अपने पास SN1 है और अपने पास क्या है E1 है, SN1 और क्या अपने पास E1 है, तो SN1 और E1 जैसे मैंने आपको जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो भी आपको सॉल्वेंट पढ़ाए, जो भी आपको क्या पढ़ाए सॉल्वेंट पढ़ाए, वही सॉल्वेंट मैं किस में यूज करूंगा भाई E1। तो बेसिकली आप कह सकते हो SN1 और E1 के सॉल्वेंट आपके कॉमन है। जो सॉल्वेंट आप सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में करता था वही सॉल्वेंट मैं एलिमिनेशन रिएक्शन में करूंगा भाई। जो SN1 और E2, SN1 और E1 के सॉल्वेंट सेम रहेंगे, SN2 और E2 के सॉल्वेंट आपके क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। बट सॉल्वेंट कौन से होंगे सर? SN1 E1 में कौन सा सॉल्वेंट यूज करता हूं, SN2 और E2 में कौन सा सॉल्वेंट यूज करता हूं, बात करते हैं। देखो यहाँ पे आप क्या होता है कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट की पोलरिटी बढ़ती थी, तो उसी बेसिस पे आपने कहा कि आप पोलर मतलब मोर पोलर क्या यूज करता था, मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करता था। क्या यूज करता था? मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो अब ये प्रोटिक और ए प्रोटिक में भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई। प्रोटिक का मतलब क्या होगा? जिस भी सॉल्वेंट के पास या जिस भी मॉलिक्यूल के पास एक्टिव हाइड्रोजन है, क्या अभी एक्टिव हाइड्रोजन, तो उनको मैं कहूंगा क्या? प्रोटिक सॉल्वेंट। और एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है तो उसको हाइड्रोजन को नाम दूंगा एक्टिव हाइड्रोजन, और एक्टिव हाइड्रोजन है किसी भी सॉल्वेंट के पास तो उस सॉल्वेंट को हम लोग कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का मतलब एच पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, जो सॉल्वेंट प्रोटॉन दे सकते हैं तो उनको मैं कहता हूं प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल वाटर है भी, क्या अपने पास वाटर, यदि मैं वाटर की बात करता हूं HOH, देखो हाइड्रोजन अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो प्रोटिक सॉल्वेंट है, एक्टिव हाइड्रोजन है। अच्छा मैं बात करता हूं किसकी, मिथेनॉल जैसे CH3OH, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। ऐसे ही मैं बात करता हूं CH3CH2OH, देखो ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है आपका, हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन, और एक्टिव हाइड्रोजन जिस भी सॉल्वेंट के पास है तो वो क्या आपका प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर और एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में मैं प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करता हूं, और वो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे वाटर हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो सकता है, ये सब आपके क्या है आपके प्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसे सॉल्वेंट है? प्रोटिक। एक तो ये आपको क्लियर हो गया अभी प्रोटिक और ए प्रोटिक। अच्छा देखो इसी में मैं यूज करता हूं, जब भी आप SN2 रिएक्शन से जाते थे या फिर E2 रिएक्शन से जाता था तो पोलरिटी घट जाती थी ट्रांजिशन स्टेट की, और पोलरिटी घट रही है तो मैं यहां यूज करता हूं लेस पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या यूज करता हूं? लेस पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। अब लेस पोलर ए प्रोटिक का मतलब क्या सर? देखो प्रोटिक मतलब जो एक्टिव हाइड्रोजन रखता है, और एप्रोटिक मतलब जिसके पास कोई भी एक्टिव हाइड्रोजन ना हो, नो एक्टिव हाइड्रोजन, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं तो उनको मैं क्या कह दूंगा लेस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। लाइक जैसे आप लोग एग्जांपल लेते हो क्या एसीटोन, किसका एग्जांपल लेता हूं भाई एसीटोन। एसीटोन की स्ट्रक्चर क्या होती है आपके पास CH3C डबल बॉन्ड OCH3। स्ट्रक्चर को चेक करो तो स्ट्रक्चर में आपके पास कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन मतलब एच पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर नहीं निकल सकता, और बाहर नहीं निकलेगा तो ए प्रोटिक भाई, ए प्रोटिक उस भी को। उसके बाद मैं बात करता हूं जैसे DMSO। DMSO क्या है? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। क्या है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की मतलब स्ट्रक्चर क्या होगी? CH3S डबल बॉन्ड OCH3। कार्बन को हटा के क्या लगा दिया? सल्फर लगा दिया।
डाई मिथाइल, दो मिथाइल हैं, सल्फोक्साइड और ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन तो क्या बोल देता हूँ, सल्फोक्साइड। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड क्या कोई एक्टिव हाइड्रोजन है क्या? नहीं, मतलब क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है? नहीं, तो एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कैसा होगा? प्रोटिक सॉल्वेंट। उसके बाद मैं बात करता हूं डीएमएफ। डीएमएफ क्या है आपका? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्या है? डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। और डाई मिथाइल फॉर्मामाइड की स्ट्रक्चर बनाते हैं एन CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या अभी आपका डायमिथाइल फॉर्मामाइड। आप चेक करो कि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं है, और अटैच नहीं है तो एक्टिव हाइड्रोजन नहीं कहूंगा, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं कहूंगा तो आसानी से निकलेगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा? प्रोटीन। तो कभी भी SN2 और E2 की बात करता हूं तो ये सोलवेंट यूज करूंगा, SN1 और E1 की बात करूंगा तो ये सोलवेंट यूज करूंगा। मतलब सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर में हमेशा पोलर प्रोटिक सोलवेंट, SN2 और E2 में हमेशा एप्रोटिक सोलवेंट, और वो भी लेस पोलर लाइक एसीटोन, DMSO, DMF, और यहां मैं यूज करूंगा वॉटर और मिथेनॉल और इथेनॉल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपको आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा अभी कि सेकेंडरी अल्कलाइड, 3 डिग्री अल्कलाइड ऐसे आपके पास आ जाए, और प्रायोरिटी चेक करनी है कि कब E1 होगी और कब E2 होगी। देखो एग्जाम्पल, मैंने कहा CH3 CH2 CH, यहां पे आपके पास क्या है? X। यहां पे आपके पास क्या है? अभी X, और क्या है आपके पास? CH3। एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन को निकालता हूं, किसको निकालता हूं? बीटा हाइड्रोजन। अच्छा देखो एक चीज हम लोग भूल गए, SN और एलिमिनेशन, SN1 और SN2, ये रिएक्शन आपकी किस पे होती है भाई? अल्फा कार्बन पे। किस पे होती थी? अल्फा कार्बन। और एलिमिनेशन लाइक E1 एंड E2 किस पे कराता था मैं? बीटा हाइड्रोजन पे कराता था। न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता था? बीटा हाइड्रोजन। और बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक न्यूक्लियोफाइल यूज करता था, और बेस उसका ऑर्डर क्या आता था? 2p, फिर क्या आता था? 3p, फिर क्या आता था? 4p, और फिर क्या आता था? 5p। ऐसे आप लोग न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर चेक कर लेते थे, जैसे 2p जैसे OH-, O-ET, और 3p जैसे आपका क्या आ गया? Cl-, SH-, 4p आपके पास क्या आ गया? Br-, 5p क्या आ गया आपके पास? I-। तो ये आपका बेस का ऑर्डर है, और बेस के लिए आपकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अल्फा कार्बन के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी में चेक करता था, अभी क्या चेक करता था? न्यूक्लियोफिलिसिटी। और न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी तो अल्फा कार्बन पे अटैक उतना ज्यादा होगा, या तो फैक्टर के साथ बेस होना चाहिए, यदि बेस विद फैक्टर है तो एलिमिनेशन नहीं है, तो क्या होगा आपका? सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन अल्फा कार्बन पे। तो इसका ऑर्डर क्या आता था? 5p, फिर क्या आता था? 4p, फिर क्या आता था? 3p, फिर क्या आता था आपका? 2p, और फिर 1s। यहाँ पे आप लोग 1s भी काउंट कर लेते हो, 1s में आप एग्जाम्पल लेते थे H- का हाइड्राइड आयन, और ये क्या होता है आपकी लार्ज चार्ज डेंसिटी शो करता है, मतलब ग्रेटर चार्ज डेंसिटी शो करता है। अच्छा देखो मॉलिक्यूल देखते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे आपका ये क्या है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये आपके अल्फा कार्बन, ये बीटा, और ये क्या आपका? बीटा। बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, क्या निकलेगा? बीटा हाइड्रोजन। अब दोनों से जा सकता है, यदि मैं इसमें यूज करता हूं O-ET इथेनॉल, क्या यूज करता हूं? O-ET इथेनॉल, या फिर सिंपल मैं यूज करूं, चलो मैं इसमें यूज करता हूं इथेनॉल और हीट, और इसी में मैं यूज करता हूं क्या, इसी में मैं यदि यूज करूं क्या इथेनॉल और DMSO, क्या यूज करता हूं भाई? इथेनॉल और DMSO, या फिर अब देखो यहां पे फैक्टर है 2p है, 2p विद फैक्टर, बट यहां पे आपके पास सॉल्वेंट क्या? आपके पास इथेनॉल ही है, सॉल्वेंट क्या अभी आपके पास? इथेनॉल, और सॉल्वेंट ही आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। तो ये रिएक्शन किससे जा रही है आपकी? रिएक्शन किससे जाएगी? E1 से जाएगी। किससे जाएगी? E1, क्योंकि फैक्टर दे रखा है। यदि इसमें मैं फैक्टर ना देता, लाइक मैं सिंपल लिखता इथेनॉल, तो किससे जाती भी रिएक्शन? किससे जाती? SN1 से जाती। किससे जाती? SN1 से जाती। और यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ, यदि विद फैक्टर यदि मैं हीट करता हूँ, सॉल्वेंट आपका DMSO है, फैक्टर आपके पास दे रखा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका? E2 रिएक्शन से जाएगी। किससे जाएगी? E2 रिएक्शन। सॉल्वेंट देखना आपको, यदि आपको सॉल्वेंट देखना आ गया तो आप रिएक्शन करा सकते हो। जैसे नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं, जैसे कि एक चीज और याद रखना कि E1 और E2 में एक सबसे जो मेजर डिफरेंस आता है कि E1 के अंदर
जो आप लोग सोलवेंट यूज कर रहे हो या फिर जो मैं बेस यूज करता हूँ, बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस का यूज हो रहा है हाइड्रोजन निकालने के लिए। तो ये आपके पास जो बेस आ रहा है ना E1 में, तो E1 में थोड़ा सा भी लेस बेसिक भी है तब भी काम दे देता है। लेस बेसिक मतलब जो भी आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल लाइक H2O, इथेनॉल, मिथेनॉल, ऐसी कंडीशन और उनके साथ फैक्टर है, ऐसी कंडीशन और उनके साथ क्या है, फैक्टर है, तो हमेशा क्या किससे जाएगा, E1 एलिमिनेशन से जाएगा। और यदि थोड़ा सा क्या हो, मोर बेसिक मतलब चार मॉलिक्यूल आपको दे दे, लाइक O-Et, लाइक OH-, लाइक NH2-, और इनके साथ कोई भी फैक्टर आपको दे दे, बेसिक, मोर बेसिक, लेस बेसिक। लेस बेसिक मतलब जिसपे चार्ज नहीं है, 2p के साथ चार्ज नहीं है, यहाँ पे 2p के साथ क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और उसके साथ कुछ ना कुछ फैक्टर है, तो किससे जाएगा, E2। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपके पास मॉलिक्यूल है, लाइक मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, जैसे कि अपने पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, CH3, CH3, CH3X, और इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूं, O-Et और इथेनॉल डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं भाई, इथेनॉल। और जैसे इथेनॉल के अंदर तो किससे जाएगा, E1 से जाएगा या फिर E2 से जाएगा, बेसिक न्यूक्लियोफाइल है तो किससे जाएगा भाई, E2 से जाएगा, किससे जा रहा है आपका, E2 मैकेनिज्म। यदि मैं यूज करता हूँ लाइक इथेनॉल और DMF और हीट कर दूं, क्या कर दूं भाई, हीट कर दूं, सोलवेंट डाल के और हीट कर रहा हूं, तो किससे जाएगी रिएक्शन, रिएक्शन आपकी जाएगी, DMF यूज कर रहा हूं तो किससे जाएगी, ET। यदि मैं सिंपल क्या यूज करता हूं, यदि मैं सिंपल यूज करता हूँ इथेनॉल और कोई फैक्टर नहीं देता है, कोई भी क्या नहीं देता है, फैक्टर नहीं देता है, तो रिएक्शन किससे जाएगी आपकी, सिंपल जाएगी SN1 से जाएगी, किससे जाएगी, SN1। और यदि मैं क्या करता हूं भाई, मैं यूज करता हूं जैसे अल्कोहलिक KOH, क्या यूज करता हूं, अल्कोहलिक KOH मतलब स्ट्रॉन्ग आपका क्या है, OH-, आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और सोलवेंट लाइक 2p फैक्टर आपको दे रखा है, कोई भी अल्कोहल, क्या दे रखा है, कोई भी अल्कोहल, तो किससे जाएगा भैया आपका, E2 से जाएगा। ऐसे आप अलग अलग रिएक्शंस को देख सकते हो। वैसे आपको पता होना चाहिए कि कब कौन से सोलवेंट आप किस केस में यूज करने वाले हो, कि SN1 E1 के लिए कौन सा सोलवेंट, SN2 E2 के लिए कौन सा सोलवेंट। आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, माइंड सेट हुआ होगा कि कब SN1, कब SN2, कब E1, कब E2। आपको देख सिक्वेंस चलाना है कि इलेक्ट्रोफाइल देखना है, रिएक्शन सेंटर समझ आ गया तो सारी रिएक्शन ईजी है। पहले इलेक्ट्रोफाइल देखना है, तो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर कौन सा है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन समझ आनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन क्लियर होने चाहिए, कब अल्फा कार्बन पे कब बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन पे अटैक होगा वो आपका क्लियर होना चाहिए। यदि वो सारी चीजें आपको क्लियर है विद फैक्टर विदाउट फैक्टर, तो आपको सारी रिएक्शन आती है, किस केस में क्या सोलवेंट है कैसा है वो आपको पता है, तो आप आसानी से हर टाइप की रिएक्शन को डिफरेंशिएट कर पाओगे और आइडिया लगा पाओगे कि रिएक्शन SN1 से जाएगी, SN2 से जाएगी, E1 से जाएगी या फिर E2 से जाएगी। थैंक यू।